हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश यादव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, गर्मी का मौसम आ गया है। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अपनी अपने छतों पर ठंडा और ताज़ा जल रखने का कोशिश करें, जिससे पक्षियों को बहुत ही हेल्प होगी और आपको भी यह काम करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और आपका दिन अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, आज का विषय है कि प्रभु श्री राम की और हनुमान जी से पहली बार मुलाकात कब और कहां कैसे हुई थी। यह बहुत ही रुचिकर और जिज्ञासापूर्ण विषय है। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। इस दौरान लंका नरेश रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वन से अपने आश्रम को वापस आते हैं तो माता सीता उन्हें नहीं मिलती हैं। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं। वे वनों में उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं। इन दिनों वानरों के नरेश बाली और सुग्रीव के मध्य युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में सुग्रीव को हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बाली के भय से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए। यह पर्वत पवन देव के राज में अवस्थित था। इस स्थान पर हनुमान जी अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की तपस्या में लीन रहते थे। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वन में माता सीता नहीं मिली तो दोनों भाई ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत जा पहुँचे। यह देख सुग्रीव भयभीत हो उठे और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मुझे लगता है बाली ने मायावी के रूप में अपने दूत भेजे हैं। हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करें। आप जाकर पता करें कि ये दोनों मायावी मनुष्य कौन हैं। अगर बाली के भेजे दूत हैं तो मैं यहाँ से यथाशीघ्र गमन कर जाऊँगा, अर्थात किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु राम के पास पहुंचकर बोले, हे मानव, आप दोनों कौन हैं और इस पर्वत पर किस उद्देश्य से पधारे हैं। यह सुन प्रभु श्री राम बोले, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का अग्रज पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण हैं। मैं अपनी भार्या पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूँ, जिन्हें किसी मायावी रावण ने हर लिया है। यह सुन हनुमान जी भाव विभोर हो गए। हनुमान जी को अपने प्रभु को पहचानने में तनिक भी देरी न हुई और हनुमान जी करुणा भाव में प्रभु श्री राम के चरण में गिरकर बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मैं निमित मात्र अपना कार्य कर रहा था। तब प्रभु श्री राम हनुमान जी को हृदय से लगाकर बोले, हे वानर, तुम क्षणिक मात्र भी ग्लानी या पश्चाताप न करो। तुम मेरे लिए उतने ही प्रिय हो जितने मेरे अन्य अनुज हैं। इसी दिन पहली बार हनुमान जी की मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई थी। तेलुगु धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी अपने आराध्य देव से ज्येष्ठ महीने में मिले थे। ऋषिमुख पर्वत भारत के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम।